हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग अवेयरनेस का एक और वीडियो, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या खाटी टाइप की खबर बाहर निकली है पूरी दुनिया भर से, उस बारे में बात करते हैं। तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, पहली अपडेट आ रही है मैजागन डॉक लिमिटेड की तरफ से। मैजागन डॉक लिमिटेड इंडियन नेवी को अपनी दूसरी सबमरीन देने वाला है। इस सबमरीन का नाम है खंडेरी। थोड़ा खंडा टाइप का नाम है खंडेरी, लेकिन भाई लोग नाम है खंडेरी। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैजागन डॉक लिमिटेड इंडियन नेवी को अपनी पहली सबमरीन दिया था दिसंबर 2017 में, जिसका नाम है कलवेरी। इंडियन नेवी को मैजागन डॉक लिमिटेड 5 और सबमरीन देगा 2022 तक। यह मैजागन डॉक लिमिटेड और इंडियन नेवी का कॉन्ट्रैक्ट है। यह सारी सबमरीन जो है यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक समय के बाद सरफेस पे आना ही पड़ता है। यह न्यूक्लियर सबमरीन के तरह बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, लेकिन अच्छी लड़ाकू सबमरीन मानी जाती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अगली अपडेट आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कमर्शियली करने का, तो आपको परमिट नहीं लेना पड़ेगा किसी भी तरह का। जी हाँ भाई लोग, नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और अल्टरनेट फ्यूल में जो व्हीकल चलती है, जैसे कि जो व्हीकल सीएनजी में चलती है या फिर मीथेनॉल इथेनॉल में चलती हैं, अगर इन्हें आपको कमर्शियली इस्तेमाल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है, तो अब आपको परमिट लेने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। परमिट मैं आपको बता दूं, इशू करता है स्टेट या फिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। बहुत सी परमिट होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस परमिट होती है, गुड्स कैरियर परमिट होती है, कैब परमिट होती है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होती है। भाई लोग, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं कमर्शियली, तो आने वाले समय में आपको परमिट लेने का लोचा नहीं पालना पड़ेगा। और भाई लोग, कब होगा ये डिसीजन, गवर्नमेंट कब इसे ऑफिशियली अनाउंस करेगी, यह अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले 3 महीने में यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो सकती है। अगली अपडेट आ रही है दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी कंपनी की तरफ से, नॉर्वेजियन एल्यूमिनियम जायंट नॉर्सेक हाइड्रो की तरफ से। आप जानते हैं इनका सबसे बड़ा एल्यूमिनियम रिफाइनरी का प्लांट है ब्राजील में, जिसकी कैपेसिटी है 5.1 MT की। भाई लोग, ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप आसपास के वातावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और इनकी कैपेसिटी को आधा करवा दिया, इनके प्रोडक्शन को आधा करवा दिया, 3 MT तक लिमिट करवा दिया। भाई लोग, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ा और एल्यूमिनियम के प्राइजेस 75% तक इंक्रीज हो गए, $640 पर टन तक। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए कुछ हद तक नजर आ रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये कंपनी अपनी फुल प्रोडक्शन में चालू हो जाए। भाई लोग, आप लोग को पता है कि नालको इंडिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है। नालको की एक कैपेसिटी है 2.1 MT की। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। IIT दिल्ली के 2 स्टूडेंट जेम्स डाइसन अवार्ड जीत चुके हैं और 1.7 लाख रुपए का प्राइज मनी भी जीत चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल व्हीलचेयर डिजाइन की है। भाई लोग, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो व्हीलचेयर में है, तो आप जानते होंगे कि किसी को व्हीलचेयर से किसी दूसरी जगह में शिफ्ट करना, जैसे व्हीलचेयर से बैग में किसी मरीज को उतारना या फिर व्हीलचेयर से दूसरी व्हीलचेयर में बैठाना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला एकदम कन्वीनियंट, एकदम आसानी से उस व्हीलचेयर में अगर कोई बैठा है तो आसानी से उसकी पोजीशन दूसरी जगह की जा सकती है, और इस व्हीलचेयर का नाम है समर्थ। इसी तरह कुछ इनोवेटिव लाओ, अपने आसपास की चीजों को देखो क्या प्रॉब्लम्स है और उनका सॉल्यूशन निकालो। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे चल के बड़ा बना सकती है। जरूरी बात यह है कि आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, इसीलिए बस मैं ये अपडेट आपको बता रहा हूँ। आज की आखिरी अपडेट आ रही है भाई लोग इसरो की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि 2022 तक कोई इंडियन पहुंच जाएगा स्पेस में, और इसरो ने भी इस बात पे क्लियरेंस दे दिया। इसरो ने कुछ हाईलाइट पेश की है, कुछ स्पेस सूट पेश किए हैं जो एस्ट्रोनॉट या फिर गगननॉट
पहनेंगे। इसके अलावा क्रू मॉडल कैप्सूल का एक प्रोटोटाइप भी पेश किया है। स्पेस सूट जो है ये ऑरेंज कलर का है। यह स्पेस सूट स्पेशल भारत में बनाया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। इसके अलावा इसमें एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा उसके सहारे 60 मिनट तक सांस लिया जा सकेगा। जो क्रू मॉडल कैप्सूल है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट तक बैठ सकेंगे और 7 दिन तक यह अर्थ की परिक्रमा करेंगे। तो नंबर भी कुछ हद तक एक्सपोज हो गया है, कितने लोग जा सकते हैं। 3 लोग जा सकते हैं जो 7 दिन तक परिक्रमा करेंगे। इसके अलावा जो ये क्रू मॉडल कैप्सूल है ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। 16 मिनट में ये ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। उतरते समय ये फायर बॉल बन जाएगा, लेकिन अंदर में जो लोग बैठे हैं वहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, तब भी अंदर के लोग बाहर में आग या फिर लपट देख पाएंगे। यह उतरेगा गुजरात के आसपास समुद्र में, जहां से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड वाले इसे ले लेंगे। 24 घंटे में ये एस्ट्रोनॉट 2 बार भारत को देखेंगे और एक्सपेरिमेंट वगैरह जो करना है वह करेंगे। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताओ इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई हुई है। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।